इतना अच्छा गुजर गया, यहाँ कभी कोई मेहमान नहीं आया। सोफिया है, आओ सोफिया। कोई लड़की है क्या? माँ से मिलो, मेरी माँ से। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकती बेटी, लेकिन मुझे यकीन है तुम बहुत प्यारी होगी। माँ, सोफिया आपके लिए सैंडविचेस बनाकर लाई है, अपने हाथ से बनाए हैं इसने। अच्छा, तो लाओ जरा चखाओ। जमीदा जी, तुम चाय ले आओ, बहुत अच्छी चाय बनाना, आज हमारे पास एक मेहमान है। जी। मजेदार है उमर, तुम इस लड़की से शादी कर लो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत खुश हो इसके साथ। आज एक अरसे के बाद मैंने तुम्हारी आवाज में इतनी खुशी महसूस की। वो आपकी माँ थी ना? हाँ, वो मेरी माँ है। मगर आपने पहले क्यों नहीं बताया? किसी को नहीं पता, मैंने आज तक उनको किसी से नहीं मिलवाया, शहरबानों को भी नहीं। कोई नहीं जानता कि मेरी माँ जिंदा है। क्यों, तुम्हें बहुत हैरत हुई है ना? हाँ। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकी थी, सब कुछ मेरी तवक्को से इतना बरक्स जो हुआ था। आप उन्हें शहर में क्यों नहीं रखते? शहर से माँ को वहशत होती है। याद है वो कह रही थी कि आप मुझसे शादी कर लें। वो नहीं जानती मेरी शादी शहरबानों से हो चुकी है, मैंने उनको कभी नहीं बताया। और वैसे भी वो पुराने ख्यालात की औरत है। उमर, उमर, क्या आप मेरी वजह से वाकई बहुत खुश रहते हैं? क्या तुमको महसूस नहीं होता? सोफिया, तुमने पहले भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? उमर, मेरे दिल में आपके लिए बेहद परवाह है, लेकिन कभी कभी मुझे बेहद खौफ आता है।
शहरबानो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है जो इतनी अच्छी नहीं है। रियली? ये देख लेना शहरी, झूठी ना हो। जफर जर्नलिस्ट है। क्यों जफर, खबर सच्ची है या झूठी? तुम सुनकर खुद फैसला कर लेना। और शहाब, तुम अपना मुंह सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा है। Because you do a better job of that. Oh, shut up, Zafar. आखिर किसी औरत से मोहब्बत करने वाले शख्स को उससे रिलेटेड हर बंदे से नफरत क्यों हो जाती है? Relax, Zafar. शेरी मेरी बहन है। Oh, come on. Zafar, तुम खबर सुना। खबर ये है कि तुम्हारे शौहर उमर साहब आजकल सोफिया के साथ बहुत दिखाई दे रहे हैं। सोफिया? वो कौन? वही मॉडल जिसकी तस्वीरें आजकल हर मैगजीन में छपी हुई हैं। अच्छा, वो तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? ये तो पुरानी आदत है उमर की, पुराना किस्सा है। और वो ब्रेसलेट भी सोफिया ही के लिए लिया गया था जिसका किस्सा तुमने मुझे सुनाया था। हाँ तो ठीक है, इस दफा हो सकता है उमर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया हो। अच्छा, मुझे तो ये भी पता चला है कि जिस अपार्टमेंट में सोफिया रहती है, जो गाड़ी वो ड्राइव करती है, वो सब कुछ भी उमर ही का दिया हुआ है। मुझे तो मामला कुछ डिफरेंट लगता है। और सोफिया कोई आम मॉडल नहीं है, एक टॉप एजेंसी का ऑनर उसका कैरियर हैंडल कर रहा है, और अब तो वो एक फिल्म में भी अपीयर हो रही है, स्टारिंग इन अ फिल्म। तुम्हें ये सब कहां से पता चला? ये जर्नलिस्ट चूहों की तरह होते हैं, हर कोने खुदरे से छोटी छोटी चीजें निकाल लाते हैं, खास तौर पे लोगों की प्राइवेट जिंदगी की सॉर्डिड डिटेल्स। ये जर्नलिज्म में हमारा नेशनल टैलेंट है। ये मेरे चेहरे पर निशान देख रही हो? ये मेरे जिस्म पर इससे भी ज्यादा हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाया करता है, मगर इस बार ये सब कुछ उमर ने किया है। उमर ने? Oh, you poor thing. मगर क्यों? इसलिए कि मुझे उसकी खासी बातों का इल्म है, और इसीलिए उसने मुझे उसकी सजा दी है। मैं उसके खिलाफ पर्चा तो नहीं कटवा सकता, और अगर पर्चा कटवा भी दूं तो कोई फायदा नहीं। वो बहुत ताकतवर है, कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन फिर भी मैं उसको नुकसान जरूर पहुंचा सकता हूं, उसको तंग जरूर कर सकता हूं, और उसने इसी बात की सजा दी है मुझे। खैर, मैं उसको छोड़ूंगा तो नहीं। और शहरबानो, तुम भी जरा केयरफुल रहना उस लड़की की खातिर, वो कहीं तुम्हें छोड़ ना दे। और तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? तुम्हें तो चाहिए यही। शट अप शहाब। और चल आए, तू तो फजूल बात का बतंगड़ी बना देता है। ठीक है, मर्दों की ऐसी इन्वॉल्वमेंट्स हो जाती हैं, कम से कम शहरी का ख्याल तो रखता है। क्यों शहरी, तुम्हें से कोई ऐसी खतरा तो नहीं है ना? तू शहरी को क्यों जलाता रहता है? तू समझता है तू बड़ा सिंसियर है? अगर इतना ही सिंसियर होता तो पहले कुछ करके दिखाता। क्या किया तूने, हैं? अब शहरी खुश है उमर के साथ अपने घर में, समझे? ठहर जा, ये ले, खा ले। मुराद, बताओ ना, सरप्राइज क्या था?
सरप्राइज। तुमने कभी सोचा कि तुम अदाकारी भी कर सकती हो? हाँ। क्या क्या मतलब? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई फिल्म कर रही हो? अरे नहीं नहीं, फिल्म तो नहीं कर रही, एक तजुर्बाती खेल है वो कर रही हूँ अली के लिए। अली? अली कौन? वो मेरा मिसेस मलिक का बेटा। मिसेस मलिक? हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, यस यस, वो तो शायद मेरे ख्याल में अमेरिका से कोई थिएटर में ट्रेनिंग करके आया है ना। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। मगर तुमने क्यों पूछा कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ या नहीं? गुड क्वेश्चन। सोफिया, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। अच्छा? और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें फीमेल लीड करो। मैं? देखो, मैंने तुम्हारे साथ काम किया है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे में वो तमाम तर सलाहियतें हैं जो कि एक एक्ट्रेस में होनी चाहिए। मगर मुराद, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी फिल्म में काम करूँगी। और मैंने सोचना छोड़ दिया था कि मैं कभी फिल्म बनाऊँगा, लेकिन जब मैं तुमसे मिला, तुमको देखा, तो मेरे अंदर की बरसों पुरानी ख्वाहिश दोबारा बाहर आ गई। मैंने 3 माह की छुट्टी ली है अपने ऑफिस से ताकि मैं इस फिल्म को तेजी से मुकम्मल कर लूं। ये लो स्क्रिप्ट। आई एम श्योर सोफिया के लिए तुम्हें बहुत पसंद आएगा। विश यू गुड लक। और अच्छी लग रही है। But that doesn't mean कि मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगी। अच्छा अच्छा, इसको पढ़ना तो सही करना पड़ जाएगा। आज आप बड़ी खामोश हैं। अच्छा, तू मुझे एक बात बता, अगर किसी से बहुत शदीद नफरत हो और उसे दूर जाने का दिल भी ना चाहता हो तो इसका क्या मतलब है? ये कैसी हालत है? तो मजबूरी है ना बीबी जी? नहीं, तुझे कुछ नहीं पता। मैंने कब कहा जी कि मुझे कुछ पता है? आप तो खुद ही मुझसे औखे औखे सवाल पूछती हैं। जितनी मेरी समझ में आती है मैं जवाब दे देती हूँ। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आता कि मेरी जिंदगी क्या है, मैं खुद क्या हूं। आज एक लम्हे के लिए संजीदगी से मैंने जब सोचा कि अगर मैं उमर की बीवी ना रहूं तो पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ, बहुत दुख सा हुआ कि बहुत कोई पुराना सा दुख। और मुझे लगा जैसे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उमर मुझे छोड़ के कहीं और चला जाए। अजीब सी बात है ना, जबकि कई बार मैंने खुद इन हाथों से उसके मरने के लिए दुआ मांगी है। चीमो, चीमो,
ये तूने क्या किया चीमो? तुमने हमारी खानदानी रवायत को मिट्टी में मिला दिया चीमो। देखिया देखिया, मैं पहले ही कहता था। क्या किया है मैंने? पढ़ लिख गई हूँ तो इसमें क्या बुरी बात है? पढ़ना लिखना मेरा पहला हक है। देखिया देखिया, मैं पहले ही कहता था। चीमो, जहाँ पर तुम स्कूल खोलने के हाथ देख रही हो वहाँ पर मैं हड्डियाँ डलवाऊंगा। आप जैसे लोगों की वजह से हमें जहालत के अंधेरों से निजात नहीं मिल सकी। मैं बता कर रहूंगी कि एक औरत का मुआशरे में क्या मुकाम है। मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ये देखूंगी कि इस गांव की लड़कियां स्कूल में पढ़ेंगी। हम ये नहीं होने देंगे। ये हमारी इज्जतों का सवाल है। इस स्यापे को यही खत्म कर दे दीन मोहम्मद, वरना दिन में तारे नजर आ जाएंगे। वेख्या वेख्या, मर जानी नू। मैं शब्बो के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। और यार शब्बो नहीं, चीमो। और देखो यार, तुम एक नाम तो ठीक याद रखो, और फिर इतना ढीला ढीला मत अंदर आओ। जरा पॉइज, कुछ ग्रेस होनी चाहिए, और इतना ब ब ब करके उसको मत करो। और सुनी, आप चौधरी साहब क्या कर रहे हैं इसमें? कहीं आप ड्रॉप कर देते हैं, कहीं उसको ठीक मेंटेन्ड रखें, उसमें कोई फीलिंग वगैरह थ्रू आउट कंटिन्यूड रखें। ओए मामे, ओ यार वो रूबी कब आएगी? उसको फोन शोन किया? ये कब तक उसकी प्रॉक्सी करेगा? एनीवे असद, मुझे तो कहीं होना था। मैं चलती हूँ। मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, अब तो ये करेक्टर क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है? यू आर वेलकम। वैसे मैं सोचता हूँ कि अगर सब लोग इसी तरह से आपकी तरह से ये अपने अपने कैरेक्टर मुझसे डिस्कस कर लें तो क्या ख्याल है, बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं करेंगे? डेफिनेटली। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू। उनको ट्राई टू इंप्रोवाइज देम आल्सो। अस्सलाम वालेकुम सर। यार रूबी, आप क्या करती? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये कब तक आपकी प्रॉक्सी करता रहे? सर वो मेरा रिक्शा खराब हो गया था। बहुत ही आदि किस्म का रिक्शा लगता है। अली मैं जा रही हूँ। ओके। हाँ अली, मैंने अहमद से डिस्कस कर लिया है, कल तुमसे भी बात करूंगी। सी यू टुमारो। नहीं नहीं, कल रिहर्सल नहीं है, कल छुट्टी। क्यों? कल मामा का डिनर है, तुम आओगी? अच्छा। सुनो, देखो मैं अपनी मामा का अकलौता और लाडला बेटा हूँ, and she does all these wonderful things to please me and my friends. You must come. She's a wonderful cook. तुम्हें बहुत प्यार करती है ना? कौन? मामा? Of course, she adores me. मेरा ख्याल है माएं तो बनी ही प्यार करने के लिए होती है। तुम्हारी मामा तुम्हें प्यार नहीं करती? मेरी मामा? यू मस्ट कम। दफा मैं बस बेजार सी हो जाती हूँ, नए आप से, जिंदगी से भी, और इतने सारे लोगों में यूं लगता है जैसे अचानक बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। और तुम भी कहीं दूर जा रही हो, ऐसा क्यों है? मम्मी, मैं तो आपके पास हूँ। आए बाहर चले। मुराद, मैं
मैं 6 साल की थी जब मेरी मामा मुझे छोड़कर चली गई थी, और वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। पता, मुझे मेरी मामा कभी कभी बहुत याद आती, बहुत ज्यादा। छोड़ के चली गई थी? हाँ। क्यों? पता नहीं, पापा से बनी नहीं थी शायद, कन्वीनियंटली छोड़ के चली गई। और फिर तुमने उन्हें कभी नहीं देखा? नहीं देखा है, मैं तो ये भी मालूम नहीं कि मैं कैसी लगती हूँ, मेरी शक्ल कैसी है। तो मुझे भूल चुकी है। तुम्हें पता है मेरे अब्बा वापस आ गए? क्या? Thank you.